चैनल। पहले वहाँ तस्लीम के लिए जाइए और जैसा भी रहा सब पूरी बातें हमारे बड़े भाई है सत्तार भैया सत्तार इनको सब बताना जैसा भी रहा तो। इसके बाद धुलिया जिला के डोनाचा गांव में दंगे के बाद धुलिया जिला एसपी वो आईजी ने धुलिया शहर विधायक वो जनता के सामने अपराधियों पर मौका लगाने का वादा किया। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर नैनेश्वर वारे की गलती की वजह से आवाम में आक्रोश दिखाई दिया। पुलिस इंस्पेक्टर नैनेश्वर वारे अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाया और जनता पर फायरिंग कर दी जबकि किसी मॉब और भीड़ को काबू पाने के लिए पहले लाठी चार्ज किया जाता है फिर आंसू गैस छोड़ी जाती है उसके बाद हवा में फायरिंग की जाती है लेकिन नैनेश्वर वारे ने इन सब बातों पर अमल किए बगैर फायरिंग कर दी जिसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बीजेपी अल्पसंख्यक अध्यक्ष शहबाज शाह जो घायल व्यक्ति को अस्पताल देखने के लिए गए आए थे उनका मॉब लिंचिंग किया गया। शहबाज शाह को अस्पताल से निकलने के बाद भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर क्रूरता के साथ मारा। शहबाज शाह के परिवार और वहां की जनता शव उठाने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन धुलिया शहर के आमदार डॉक्टर फारूक शाह वो सामाजिक कार्यकर्ता और धुलिया जिला एसपी चिमनिया पंडित के समझाने पर शव उठाने के लिए आवाम तैयार हो गई। धुलिया जिला एसपी ने अपराधियों के खिलाफ मौका कानून के तहत केस दर्ज करने का आवाम से वादा किया। इसी प्रकार आईजी साहब ने धुलिया जिला अधिकारी को न्यायालय चौकसी का आदेश दिया और आवाम से वादा किया कि यदि कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी मामले में दोषी पाए गए तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि मजलूमों को न्याय कब मिलता है। सरकार साहब हमारे लिए धुलिया से आए हैं आप लोग में से भी अभी मैंने दो तीन बार बात किया है मैं बार बार वही कह रहा हूँ बड़े दिल से कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब एक आईपीएस ऑफिसर की हैसियत से मैं जब बात करता हूँ तो मेरी बात सिर्फ मेरी बात नहीं है चिन्मय पंडित बात नहीं करता मैं ये मेरे लिए स्टार दिए हुए शासन की तरफ से दिए हुए तो मैं आईपीएस ऑफिसर की हैसियत से बात करता हूँ और मैंने कहा कि ये जो आपके कैमरे चल रहे हैं ये तो आपके कैमरे हैं लेकिन ऊपर वाले का जो कैमरा है आज मैं अगर कुछ गलत बात कहूंगा तालियां बजाने का मौका मैं तहे दिल से बोलता हूँ ये तालियां बजाने का मौका नहीं है। आज जैसे मौत होती है मेरे घर में किसी की मौत हुई ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि कोई भाई जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले हमने सबसे पहले लाश किसने देखी तो हमने देखी क्या बुरे हालात है वो हमको मालूम है। रात को 12 बजे से लेकर अभी तक मैं सोया नहीं हूँ मैं ऐसे का ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने हूँ आप लोग भी देख रहे थे पुलिस स्टेशन में हूँ यहाँ पर तो इसके साथ में न्याय होना चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है कानून के साथ होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर भी कहा था यहाँ पर भी कहूँगा बार बार कहूँगा कि जो लोग इसमें शामिल है देखो किसी को ये आज हमारे पास ऐसी तकनीक है ना कि आप कुछ भी करो हमको वो आरोपी का नाम मिल जाता है बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है तो वो हम पूरा का पूरा जितने यहाँ के सीसीटीवी कैमरे यहाँ के नहीं सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर के मैंने ये भी बोला तो वो भी खंगाल लेंगे और जो जो भी दिखता है उसके ऊपर मौका जैसी कार्रवाई करेंगे। मौका ऐसा कायदा है आप किसी भी वकील से जाके पूछिए वहाँ पर जमानत की बात ही नहीं हो एक बार अंदर गए तो गए तो ये रही मेरी जिम्मेदारी। अरे बीच में मत बोलो बात करेंगे ना अलग अलग से बात करेंगे। दूसरा ये भी वादा रहा ठीक है देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा ही सही है और बाकी सब गलत है ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ गलती किसी की भी हो गलती गलती होती है मेरे आदमी से गलती हुई इसकी प्रोसीजर है अगर गोली चलती है तो उसकी निष्पक्ष अगर इंक्वायरी होनी हो तो पुलिस वाला कर सकता है क्या? एक पुलिस वाले की इंक्वायरी कब कर सकता है कि जब उसमें वो इसमें क्या है कि गोली चली है तो इसकी इंक्वायरी ये कलेक्टर साहब के इसमें होती है तो कलेक्टर साहब को हमने आज सुबह ही रिपोर्ट दे दिया है उनका रिपोर्ट आएगा। इसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि ठीक है कि आप लोगों का रोष है तो हम वहाँ के जो पीएसआई और पीआई है उसको हटा देंगे वहाँ से। बहुत अच्छी ठीक है तो ये जो बात है अभी मुझे लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग हैं जैसे आमदार साहब है हमारे लिए ये है आपके
आपके लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये हमारे लिए यही है कि अभी आज कोविड की परिस्थिति इतनी खराब है कि हॉस्पिटल पूरा भर गया है, लोगों को जमीन पे लिटा रहे, बहुत खराब हालात है। तो हम लोगों को ये देखकर थोड़ा सा शांति बना के रखने के लिए प्रशासन का सहकार्य करना, इसलिए मैं वापस आपको सरकारी कर रहे रात से बिल्कुल हम लोगों ने